हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फूड कार्ट। आज हम बनाने वाले हैं खट्टी मीठी चटपटी साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहां लिया है 1 कप साबूदाना। आप कोई भी अच्छा ब्रांड देखकर साबूदाना ले सकते हैं। इसे 2-3 पानी से बहुत अच्छी तरह वॉश कर लीजिए और पानी जितने में ये डूब जाए, साबूदाना डूब जाए, इतना पानी डालकर इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये साबूदाना फूल जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए, मैंने पहले से ये प्रोसेस करके रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये साबूदाना बहुत अच्छे से फूल गया है, इतना पानी पर्याप्त है। देखिए साबूदाना कितने अच्छे से ये इस तरह से पूरा नरम हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ फ्राई करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, साबूदाना फ्राई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ लिया है 1 बड़ा आलू, उबला हुआ है ये, उबाल के इसे छील कर कट कर लिया है। 2 हरी मिर्चें, 1/2 चम्मच जीरा और बाकी ये सारी चीज़ें हमें साबूदाने में मिक्स करनी रहेंगी। तो यहाँ मैंने लिया है ये मूँगफली दाना, भून लिया है, छिलका उतार के इसे दरदरा पीस लिया। देखिए आप, दरदरा है, कहीं थोड़े साबुत हैं, थोड़ा पिसा हुआ है, इस तरह से आप इसे पीस लें। और फिर इसमें हमें मिलाने के लिए नमक मैंने लिया है, यहाँ सेंधा नमक है जो व्रत में खाया जाता है, आप चाहें तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। और मैंने लिया है 1 नींबू और 1 चम्मच चीनी ली है और कुछ अनार के दाने लिए हैं। और मैंने यहाँ लिए हैं चिली फ्लेक्स, जो लाल मिर्च है सूखी, उसे तोड़ लिया है, बारीक कूट लिया है और मैंने उसके सीड्स भी अलग नहीं किए, और थोड़ी काली मिर्च भी ली है। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप अनार चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेल जब तक गर्म हो रहा है, हम साबूदाने में जो सामान हमें मिक्स करना है वो मिला लेते हैं। मैं यहाँ मिला रही हूँ सेंधा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ मैं, और मूंगफली दाना। देखिए, अगर आपकी खिचड़ी चिपचिपी बनती है तो आप एक चीज़ याद रखिए, मूंगफली दाना हमारा कुटा हुआ है और भुना हुआ भी है, तो इसे हम इस तरह से जब साबूदाने में मिला देते हैं तो हमारी साबूदाने की खिचड़ी कभी भी नहीं चिपकेगी। तो ये इसका सीक्रेट भी है और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए भी है। तो ये दोनों चीज़ हो जाएंगी आपकी, कि आपके साबूदाने चिपकेंगे भी नहीं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और भुना हुआ है ऑलरेडी, तो हमें तेल में इसको भुनने की भी ज़रूरत नहीं। अब हमने इतनी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली, अब हम जो चीज़ें फ्राई करेंगे वो बस प्लेट में रखिए और लास्ट में डालने की चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्राई करना। मैंने यहाँ कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच ऑयल लिया है जो गर्म हो गया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, कुछ लोग घी में बनाना पसंद करते हैं, पर मैं मोस्टली नमकीन चीज़ें तेल में और मीठी चीज़ें घी में बनाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने तेल ही लिया है। अब हम यहाँ डालेंगे जीरा और हरी मिर्च। इन्हें भुनने देंगे। जीरा चटकने लगा है और हरी मिर्च भी तलने लगी हैं। आंच को मैं रख रही हूँ मीडियम। अब मैं यहाँ डाल दे रही हूँ आलू। आलू को भी हल्का सा तलने देंगे हम, टेस्ट अच्छा आ जाएगा। हम आलू में भी थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि हमने साबूदाने में ऑलरेडी मिला चुके हैं। हम इसमें डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स और काली मिर्च। देखिए आलू ब्राउन होने लगे ना, बस अब हम डाल देंगे इसमें साबूदाना।
साबूदाना डाल के इसे करना है अच्छी तरह मिक्स। आंच को यहाँ थोड़ी देर सिम कर लेते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसे 2 मिनट के करीब गर्म होने देंगे आंच पर। जनरली खाने के लिए ये साबूदाने की खिचड़ी रेडी है, बस 2 मिनट इसको थोड़ा भाप देंगे यानी ढककर स्टीम देंगे और बस रेडी है। लेकिन हमें इसे खट्टा मीठा चटपटा बनाना है तो हमें आगे की प्रोसेस भी करनी है, तो मैं इसे ढककर 2 मिनट पकाने के बाद ही आपको बताती हूँ कि हमें इसमें क्या क्या मिलाना है। देखिए खिचड़ी स्टीम हो गई है। अब हम इसमें मिलाएंगे नींबू। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो फिर ये बहुत नरम हो जाएंगे तो वो खाने में बहुत अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए थोड़ा अलग अलग ही रहें। इसलिए हम इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस। देखिए मैं नींबू निचोड़कर, इससे ये हो जाएगी बहुत अच्छी खट्टी खट्टी सी। इसे हमें कुछ और के साथ नहीं खाना पड़ेगा। और इसमें मिला दे रही हूँ मैं 1 चम्मच चीनी। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, खट्टा मीठा। बस थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि जो चीनी हमने डाली है ये मेल्ट हो जाए। अब साग खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। अब हमें बचा है डेकोरेशन वाला पार्ट, तो हम इसमें मिलाएंगे अनार और हरी धनिया और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। ये कितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी ज़बरदस्त है, आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिए। इस तरीके से बनाएंगे जब आप, तो आपकी चिपचिपी भी नहीं बनेगी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी। चलिए मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स खिचड़ी बिल्कुल रेडी है, आप देख पा रहे होंगे कितनी अलग अलग एकदम खिली खिली सी है। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।